पीपल्स पार्टी ने 12 साल पहले ये सब चीजें क्यों नहीं की, 12 साल के दौरान मसाइल हल क्यों नहीं हुए। सिंध के नाकाम वजरा नामुनासिब बयानात दे रहे हैं। सन कोठे पर आए एक एडवाइजर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तहरीके इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान के साइन सरकार पर लफ्जी वार बोले। एक साहब ने 27 सितंबर को रैली निकालने का ऐलान किया। वजीर आजम ने कहा विपाक और सूबा मिलकर काम करेंगे। इमरान खान काम कर रहे हैं और दुनिया में बात की जा रही है। तो जो 700 अरब रुपए रह गए उसमें से अंदाजन 350 अरब रुपए वफाकी हुकूमत खर्च करेगी कराची शहर के ऊपर, और आधा पैसा इसी तरीके से सूबाई हुकूमत ने जिम्मेदारी ली है कि वो पैसा खर्च करेगी। जो पैसा केसीआर के ऊपर खर्च होगा, जो कर्ज लिया जाएगा, वो जिम्मेदारी भी तो आपकी वफाकी हुकूमत की होगी ना। वो पैसा भी वफाकी हुकूमत ने उतारना है, वो कोई सूबाई हुकूमत ने नहीं उतारना है। लेकिन अगर इन 1100 अरब रुपए में से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहती है कि वो 1100 अरब रुपए कराची में पूरा खर्च करें, तो बिस्मिल्लाह पूरा 1100 अरब रुपए खर्च कर लें। इसमें लड़ने की क्या जरूरत है? 12 साल से तो आप बहुत कुछ खर्च कर ही रहे हैं ना, तो अभी भी खर्च कर लें। और हमारे पास जो एडिशनल पैसा पड़ा हुआ है आप हमें बता दें हमने क्या काम करना है, क्योंकि शहर की बेहतरी के लिए हमने तो आगे बढ़ना है।